गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैम गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम आल्सो फाइन। आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? थैंक यू मैम। ओके, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेस फ्रॉम ग्रामर स्टेशन इन बुक ए। पेज नंबर ओपन करना है 21। मैम ओपन किए। ओके, सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? यस मैम, यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया था ना? थर्ड कंप्लीट करना है, फोर्थ कंप्लीट करना है। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ओपन करिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्लूरल्स। यहाँ पे ब्लैंक में जितने भी वर्ड्स राइट किए गए हैं, इन सभी का आपको प्लूरल फॉर्म में राइट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे चलिए इसको पढ़िए, यहाँ पे राइट कौन कौन से वर्ड किए गए हैं। हर से चलिए आप रीड करिए। यस मैम। गॉड्स फीट ऑफ प्यूरल फॉर्म राइट किया गया है, वो करेक्ट नहीं है, कुछ रॉन्ग है, उसको आपको करेक्ट करके फिल करना है। यहाँ पे काउज लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग राइट की गई है, रॉन्ग है ना? सही है? यस मैम। मैम रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग है, एस लगेगा, सी ओ डब्ल्यू एस, काउज, यहाँ पे ई एस राइट है, इसलिए आपका रॉन्ग है। सेकंड में देखिए, ये आपका करेक्ट है। ये तो करेक्ट है, लेकिन चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर फिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या फिल करना है। फार्मर रघु हैज मेनी एंड टू। अब यहां से आप चूज करिए और यहाँ पे फिल करिए। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? फार्मर रघु हैज मैम काउ एंड काउज। ओके, काउज एंड काउज एंड काउज। क्या बेटा? मैम का, मैम काउज। यहाँ पे जो राइट है वर्ड्स उसी से कौन से लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। मैम हमने सीमा से आप बताइए बेटा, वेदांत यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? फार्मर रघु हैज मेनी मैम मेनी काउज एंड टू डियर्स। टू डियर्स, डियर्स नो, रॉन्ग बेटा, डियर्स नहीं फिल करेंगे यहाँ पे। मैम फार्मर रघु हैज मेनी कॉक्स एंड टू ऑक्स। ऑक्सन, ऑक्स नहीं, ऑक्सन लिखेंगे, ठीक है? टू है तो यहाँ पे ऑक्सन राइट करेंगे, ऑक्स नहीं। काउस भी देखिए दो प्रकार के यहाँ पे राइट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए काउस, सी ओ डब्ल्यू ई एस काउस लिखा हुआ, सी ओ डब्ल्यू एस काउस, तो कौन सा सही होगा? मैम सी ओ डब्ल्यू ई एस। बेटा परी आप रॉन्ग बता रहे हैं, उसी ओ डब्ल्यू ई एस रॉन्ग होगा। कंचन आप बताइए। सी ओ वी ई एस, सी ओ वी ई एस कहीं राइट ही नहीं, तो और रॉन्ग हो गया आपका। सी ओ डब्ल्यू एस। ओके, बाकी सभी का सही है, इनका परी का रॉन्ग था। यहाँ पे राइट करेंगे सी ओ डब्ल्यू एस, नोट करिए। एंड टू ऑक्सन, ओ एक्स ई एक्स। चलिए सेकंड सेंटेंस रीड करिए कंचन। यस मैम। मदर आस्क्ड प्रिया टू वॉश हर एंड
मदर आस्क्ड प्रिया टू वॉश हर, मदर ने प्रिया से क्या धुलने के लिए कहा? टू वॉश हर hands. बेटा जब आपसे पूछेंगे तभी बोलना, अभी हम कंचन से पूछ रहे हैं ना। माइक ऑफ करिए सभी लोग। चलिए खुशी आप माइक ऑन करिए। बेटा यहाँ पे क्या फील करेंगे? मदर आस्क्ड प्रिया टू आस्क हर, यहाँ से जो बॉक्स में जो वर्ड सही से चूज करके आपको राइट करना है। मैम ब्यूटीफुल फूड। नो, क्या धुलने के लिए कहा प्रिया? प्रिया से जो है उसकी मदर ने क्या धुलने को बोला? आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के आने के बाद प्रिया की मदर, प्रिया की मदर प्रिया से क्या धुलने के लिए बोल रही है? आप प्ले ग्राउंड में जाते हो, वापस घर आते हो तो क्या धुलते हो खेल के आने के बाद? फीट एंड हैंड्स। फीट एंड हैंड्स, ओके। अपने पैरों को धुलते हो, अपने हाथों को धुलते हो, तो यहाँ पे हम फील करेंगे हैंड्स एंड फीट। तो हैंड्स की स्पेलिंग क्या होगी? एच ए एन डी ई एस या एच ए एन डी एस? एच ए एन डी एस, ओके। एच ए एन डी एस एंड फीट। एफ डबल ई टी। वी सॉ मेनी इन द जू। मैंने क्या देखा? ढेर सारे। जू में क्या देखा? जू में क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे बॉक्स में देख के बताइए, ऐसे कौन से एनिमल्स यहाँ के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि हमें जू में दिखाई देता है? डियर। तो यहाँ पे डियर लिखे या डीएस क्या राइट करेंगे? कंचन स्टॉप बेटा, माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ करिए। मैम डी डबल ई आर। तब परी जब आपका नेम लेंगे तभी आपको माइक ऑन करना है। खुद से माइक ऑन कर लेती हूँ। शिवम, चलिए आप माइक ऑन करिए। शिवम, शिवम आवाज जा रही है? माइक ऑन करके बोलो। माइक नहीं ऑन हो आपका, बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलो आप। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। राज सामने देखिए, राज वर्मा माइक ऑन करिए। राज आपसे बोल रहे हैं, पीछे देख रहे हो, सामने देखिए, माइक ऑन करिए। चलिए बोलिए आप, हम क्या फील करेंगे? वी सॉ मेनी इन द जू। डियर। डियर, डियर लिखेंगे, डियर्स क्या राइट करेंगे? डियर का पूरा फॉर्म क्या होता है? डियर्स होता है। नो, रॉन्ग बेटा आपका। अमन पास होना, आप बताइए बेटा डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मैम डियर, मैम डियर्स। डियर्स आपका भी रॉन्ग है। खुशहाल, चलिए आप बताइए बेटा। खुशहाल माइक ऑन करिए। डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? कल बताया गया था ना, खुशी डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? मैम डियर्स। मेरा डियर का डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता है, जल्दी भूल जाते हो ये सभी। मैम यहाँ पे हम डियर का डियर ही लिखेंगे, यहाँ पे डीएस नहीं राइट, क्योंकि डियर का जो प्यूरो फॉर्म डियर ही होता है, डीएस नहीं होता है। डन।
निमो प्लक फ्रॉम द गार्डन. निमो ने गार्डन से क्या प्लक किया, क्या तोड़ा? गार्डन में क्या होता है मैम? टमाटो. टमाटो. गुड. टमाटो का प्लूरल फॉर्म बताइए बेटा हमें. रमा मैम टमाटोज. टमाटोज मैम टमाटो. ओके तो यहाँ पे राइट करेंगे टमाटोज. स्पेलिंग क्या होगी मैम? TOMATOES. टमाटो. वी नीड एंड फोर बोर्ड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले. Counter, 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 counter,
दिस नोट करिए. मैम नोट किए. मैम नोट. हाँ ठीक है. भी नहीं राइट कर रहे. राइट करो. इरेज नहीं कर रहा. then चलिए लास्ट क्वेश्चन ओपन करिए. यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर. मैम इसमें क्या है? इसमें क्या है अभी देखो क्या है उसमें. मोना इज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट फॉर द जू प्रोजेक्ट. मोना इज क्या कर रही है? जू प्रोजेक्ट पे उसको एक रिपोर्ट रेडी करना है. इस प्रोजेक्ट दिया गया कंप्लीट करने के लिए उसी को उसको कंप्लीट करना है. क्या कंप्लीट कर रही है? सी विजिटेड द जू. वह कहाँ पे गई उसको कंप्लीट करने के लिए? जू में गई मतलब चिड़ियाघर घूमने गई. टू इस एंड फाउंड द चेंज इन द नंबर ऑफ एनिमल. कितनी बार गई? दो बार गई. ठीक है चिड़ियाघर जो है घूमने के लिए दो बार गई. और दो बार गई उसने जो पहली बार देखा था जो एनिमल्स का नंबर था वह दूसरी बार चेंज हो गया था. ठीक है एनिमल्स के जो नंबर थे दूसरी बार जब वो घूमने गई तो देखा जो एनिमल्स के नंबर है वो चेंज है. राइट टू लाइन्स ऑन ईच एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स यहाँ पे बने हुए हैं इनका पिक्चर बना हुआ एनिमल्स का उन सभी एनिमल्स के बारे में आपको टू टू लाइन राइट करने हैं. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. देखिए पहले एनिमल्स के बारे में आप पे राइट किया गया है. सेम ऐसे ही आपको जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में आपको एक एक लाइन राइट करना है. इसके लिए आपको नोटबुक ओपन करनी है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये. तो सभी लोग नोटबुक ओपन कर लीजिए अपनी इंग्लिश की फिर राइट करिए. पेन किए ओपन. द लास्ट टाइम. देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है. फर्स्ट में एनिमल्स के पिक्चर बने हुए हैं फर्स्ट लाइन में. सेकेंड लाइन में देखिए कि राइट है एग्जैक्टिव नंबर मतलब जितने उसने देखा था. तो पहली बार गई थी तो एनिमल्स में जितने जू में जितने एनिमल्स देखे थे उनका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है. जो सेकेंड टाइम गई घूमने के लिए उसका नंबर यहाँ पे राइट था. नंबर ऑफ न्यू अराइवल्स जो नए एनिमल्स का जो आगमन हुआ उसका नंबर यहाँ पे राइट किया गया है. पहले का यहाँ पे पहले था उतना यहाँ पे है. और जो सेकेंड बार में जब गई घूमने के लिए जो सेकेंड जितना और एनिमल्स आ गए उसमें उसकी संख्या बढ़ गई उस एनिमल की तो यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है. जैसे जब फर्स्ट टाइम वह घूमने गई जून तो देखा वो थ्री लायन थे. सेकेंड टाइम गई तो वहां पे कितने लायन थे? दो लायन और आ गए थे. कितने आ गए? दो लायन और. तो टोटल कितने हो गए मिला के? थ्री प्लस टू कितने हो जाएंगे? फर्स्ट टाइम थ्री देखा था लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वह गई देखने के वहां उसे फाइव लायन देखने को मिला. फर्स्ट टाइम कितने डियर वहां पे थे जू में? फाइव थे. सेकेंड टाइम जो घूमने गई तो यहाँ पे फोर डियर थे और आ गए थे. तो टोटल कितने डियर उसने देखा सेकेंड टाइम में? नाइन डियर. एलिफेंट कितना था वहाँ पे जिसने फर्स्ट टाइम देखा था? सेकेंड टाइम क्या कोई एलिफेंट वहाँ पे आया
सेकेंड टाइम में जीरो। इसका मतलब उसने जो फर्स्ट टाइम देखा था एलिफेंट टू, सेकेंड टाइम में वही टू ही एलिफेंट थे, कोई दूसरा एलिफेंट वहां पे नहीं आया। मंकी कितने थे फर्स्ट टाइम? एट। सेकेंड टाइम देखिए कितने मंकी और आ गए, फोर मंकी और आ गए थे। टोटल कितने मंकी हुए? सेकेंड टाइम उसने कितने मंकी देखे? फोर नहीं बेटा, फोर नहीं बोलोगे आप, उसको पुराना वाला भी था नया वाला भी था, दोनों ऐड करके आपको बोलना है, तो 12 मंकी थे। यहाँ पे देखिए जेब्रा कितना था? सेकेंड टाइम देखा तो वहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? फर्स्ट टाइम कितने वहाँ पे गीज थे? सिक्स थे। सेकेंड टाइम में फोर गीज वहाँ पे आ गए थे। गुड, तो अभी यहाँ पे आपने नंबर देखा, अभी आपको इसको सेंटेंस राइट करने हैं बना के। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट राइट किया, अगर सेम ऐसे आपको दूसरा सेंटेंस भी राइट करना है। द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम क्या था? आई सा, मैंने देखा था। क्या देखा था? थ्री लायंस। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे घूमने गई थी चिड़ियाघर में, तो मैंने वहाँ पे कितने लायंस देखे थे? थ्री लायंस देखे थे। द लास्ट टाइम आई सा थ्री लायंस, हमने थ्री लायंस देखे थे। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय क्या है? There was one more lion. यहाँ पे टू होना चाहिए था, तो जो है मोल और लाइन यहाँ पे आ गए हैं। So now there are four lions in the zoo. इसलिए जू में कितने लाइन हुए? अब जू में यहाँ पे फोर लाइन, फोर ने यहाँ पे नंबर रॉन्ग राइट किया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था फाइव, थ्री प्लस टू फाइव होता है, पर फोर लिखा हुआ रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप फाइव राइट कर लेंगे। हमें फोर ही रखते, फाइव राइट कर लो बेटा, सभी लोग अपनी बुक में, सबके बुक में फोर ही लिखा हुआ है ना? यस मैम। तो आप फाइव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर देखिए थ्री टू प्लस फाइव हो गया, फोर नहीं, इसलिए रॉन्ग है। यहाँ पे आप फाइव राइट कर लेंगे। सो नाउ देयर आर फाइव लायंस इन द जू। अब यहाँ पे जू में कितने लायंस हैं इस समय? कितने हैं अभी? वैसे आपको जो भी एनिमल्स यहाँ पे हैं उन सभी एनिमल्स के बारे में राइट करना है। सेकेंड यहाँ पे डियर है, अब डियर के बारे में कैसे राइट करेंगे चलिए बताइए हमें, समझ में आगे कैसे राइट? सेम ऐसे ही लिखना, केवल नाम चेंज कर देना, नंबर चेंज कर देना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। अभी आप बताइए बेटा, माइक कौन करिए। लास्ट टाइम आई सा फोर डियर या फाइव डियर? मैम फाइव डियर। आगे क्या लिखेंगे? बट दिस टाइम डियर वॉच सब लोग माइक ऑन करके बैठे रहते हैं, जब कहेंगे माइक ऑन के पढ़ने के लिए नहीं माइक ऑन होगा, वैसे माइक ऑन कर लेते हैं सभी लोग। आज तो माइक ऑफ करे बेटा,
खुशी का माइक ऑन है, लिखना होता तो माइक ऑफ कर लिया करूं। बट डियर वाज, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पे कितना राइट करेंगे, फोर मोर या वन मोर? डियर जल्दी बोलिए। सो नाउ देयर वाज आर टोटल कितने हुए, 5 + 4 = 9। डियर इन द जू, आज समझ में कैसे लिखना, आज से मैं से आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए सेकंड राइट कर लीजिए ऐसे ही। सब लोग सेकंड राइट करिए, राइट करने के बाद बताना आपने क्या राइट किया। चलिए आप लोग खुद से नोट करिए। थर्ड यहाँ पे लिखिए, एलिफेंट के बारे में लिखिए। हो जाएगा तो बोलना, ठीक है, हैंड शो करिए। यहाँ पे सभी को एलिफेंट के बारे में खुद से लिखना है, जल्दी से ओपन करिए, एलिफेंट के बारे में राइट करिए वन लाइन। लास्ट टाइम ऐसा ऐसा टू एलिफेंट एलिफेंट्स बट देयर वाज स्नो। There was no new arrival. Of elephants. So there were elephants have you done?
नो मैम। जल्दी से राइट करिए फिर आगे देखते हैं। द लास्ट टाइम आई सा टू एलिफेंट्स बट देयर वॉज नो न्यू अराइवल्स। लास्ट टाइम ने देखा था कि दो ही एनिमल एलिफेंट थे, लेकिन इस टाइम यहाँ पे कोई दूसरे एनिमल्स का अराइवल नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ। सो देयर आर ओनली टू एलिफेंट्स, इसलिए यहाँ पे केवल दो ही एलिफेंट्स हैं। आप सबको समझ में? Yes, ma'am. फिर आगे देखिए। वैसे यहाँ पे मंकी का भी लिखना है, मंकी जेब्रा एंड गीच। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करने जा रहे हैं। ओके ऐसे मंकी का भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलिए बताइए परी, हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे मंकी के बारे में? द लास्ट टाइम आई सॉ eight monkeys, but this time बोलो क्यों रुक गई? But this time there was There was four monkeys. Four more monkeys. Monkeys. आगे. So now. There are. Twelve monkeys in the zoo. Oh, yeah. The last time I saw 8 monkeys, but this time there was 4 more monkeys. So now there are 12 monkeys in the zoo. सभी को आ रहा समझ में क्या लिखना है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बेटा जल्दी करिए, टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है इसका देख लेते हैं, जेब्रा का भी टाइम। चलिए इसको बताइए बेटा, आप कौन बताएगा इसको? बोले कोई? टाइम वाज was it Jeff what is monkey Jeff Raj but keys monkey but this time so now monkey watch their watch कितने जेब्रा की संख्या बढ़ गई थी बेटा? There are four. Watch. Four. Two more. Four.
four monkeys in the zoo. More zebras. Zebras, no. Deer are the last. कितने हो गए total? Six. इससे तो ये था कितने हुए six ही. Yes, ma'am. Zebras in the zoo. Right fast. The last time I saw ऐसे गीज का भी लिखना है. The last time I saw. यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं. यहाँ पे कितने जी गुस थे? Six थे. यहाँ पे हम नोट कर देंगे गुज. कौन बातें कर रहा है? फोर मोर कितने हुए यहाँ पे? टेन हो गया. ओके जस्ट नोट कर लीजिए सभी लोग. तो सभी लोग कंप्लीट करने के बाद अपने वर्क की फोटो सेंड करेंगे जो भी आज करवाया गया. ओके आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट सेशन में आप सभी को चैप्टर वन की वर्ड्स मीनिंग लर्न करके सुनानी है. ओके हर्षित वेदांत अभी सभी लोग लर्न कर लेना. अब जब भी नो फर्स्ट चैप्टर जब भी टर्न आएगा इंग्लिश का. अभी कल तो ईवीएस का टर्न है. संडे है. मंडे को सभी को वर्ड्स मीनिंग सुनाने हैं चैप्टर फर्स्ट की. वर्ड्स मीनिंग सुनने के बाद ही चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे. ठीक है तो सभी को वर्ड्स मीनिंग लर्न करनी yes, है चैप्टर फर्स्ट की. टाइम भी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का. सेशन भी एंड होने वाला है. जल्दी से नोट कर लीजिए. बस वन सेकेंड और है. हाँ ठीक है. तो नाउ नाउ देयर आर तो वर्ड मीनिंग आप सभी लोग लर्न करके रखेंगे. सभी को मंडे को वर्ड मीनिंग सुनाना है. उसी का टेस्ट होगा इसमें.